बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक चार पहिया वाहन चोरों का गिरोह पकड़ में आया, जो कि कई राज्यों में घटना को अंजाम देते थे। उनके पास आधा दर्जन से अधिक चोरी के वाहन भी बरामद किए गए हैं। रामसनेही घाट पुलिस व सर्विलांस टीम की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिली है बड़ी सफलता। एसपी यमुना प्रसाद ने पुलिस टीम को 15,000 का नगद पुरस्कार दिया है। पुलिस कप्तान ने मामले के संबंध में जो जानकारी दी उसे देखिए। जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट में माहवाई में एक बुलेरो चोरी हुई थी, जिसमें एक मुकदमा लिखा गया था और उसके बाद एक रामनगर से बुलेरो चोरी हुई थी, इसमें भी मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद टीम बनाई गई, जो सीओआरएस घाट है पंकज, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई और गहन मेहनत करके इन्होंने पूरे गैंग को ट्रेस किया। उसके बाद स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद लेकर के इसमें पूरे गैंग को नायब किया गया है, जिसमें 5 अंतर्राज्यीय साथी वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 5 वाहन फोर व्हील बरामद हुए हैं। और जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो इसका सरगना खादिम है, ये और इसके कुछ साथी मिलकर के लगातार आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली आदि जनपदों से लगातार वाहन की चोरियां करते थे और उसके बाद आजमगढ़ में ले जाके गोरखनाथ यादव और हरिनाथ यादव, ये दो साथी हैं इनके, जिनको ये गाड़ियां हैंडओवर करते थे। उसके बाद उसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर और उसके नंबर प्लेट को चेंज करके और इवन उसके कलर को भी चेंज करके ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र उसका तैयार करा लेते थे और उसके बाद उसको बेच दिया करते थे, सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। और इस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे। इनसे जब गहन पूछताछ की गई है तो ये भी निकल के आया है कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस तरीके की गाड़ियां चोरी करके लाते थे और क्षेत्र में बेचते थे। ये लगातार इस तरीके से काम कर रहे थे। इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इंद्रेश जो आजमगढ़ का निवासी है, उमेश यादव आजमगढ़ का निवासी है, खादिम अमेठी का निवासी है, रमेश उर्फ बंटी अमेठी का निवासी है।